वेलकम टू मेटलैक्टो। आज हम लेक्चर 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो प्रीवियस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज हम पहले हम बैक्टीरियोलॉजी बेसिक एंड क्लिनिकल को कवर करेंगे, देन वायरोलॉजी की तरफ और बाकी माइकोलॉजी की तरफ जाएंगे। ओके, अगर हम साइज की बात करें बैक्टीरिया का साइज होता है 0.225 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया का साइज होता है, यानी कि इतना स्मॉल होता है। जबकि नॉर्मली एक आरबीसी के साइज से अगर हम कंपेयर करें तो एक आरबीसी का साइज होता है 7 या 8 माइक्रोमीटर एक आरबीसी का साइज होता है आरबीसी। तो यानी कि इससे ये पता लगता है कि बैक्टीरिया का साइज जो है वो आरबीसी से भी छोटा है। ये एक बात क्लियर होगी। लेकिन वायरसेस से अगर हम कंपेयर करें तो वायरसेस का साइज वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और वायरसेस का साइज होता है 0.02 माइक्रोमीटर। ये वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इसका मतलब यह है कि वायरसेस बैक्टीरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक बात क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब ये तो साइज को डिस्कस किया हमने बैक्टीरिया के। अगर शेप की बात करें तो जनरल बेसिक जो शेप्स होती हैं, राउंड शेप हो सकती है, रॉड शेप हो सकती है और स्पाइरल शेप हो सकती है, ठीक हो गया। ये तीन बेसिक शेप है। राउंड को कोकाई भी कहते हैं, ये प्लूलर है, कोकस सिंगुलर होता है अगर एक हो। रॉड बैसिलाई प्लूलर फॉर्म है अगर काफी ज्यादा हो, अगर सिंगल हो तो बैसिलस कहते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम राउंड की बात करें, ये राउंड होते हैं। ओके, अगर एक हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनोकोकस। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। ओके, अगर ये दो कंसेक्टिव आपस में जुड़े हुए हों, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये एक बैक्टीरिया है, ये दो आपस में जुड़े हैं इसको, लेकिन मैं अब एक कंसिडर कर रहा हूं, ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं, इसको इस फॉर्म को मैं क्या कहता हूं, डिप्लोकोकस, दो आपस में रह रहे हैं। टेट्राकोकस, जिसमें चार आपस मिलकर रहते हैं, कंबाइंड होकर रहते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है, फोर। ओके, सारसीना में क्या होता है, चार कंसेक्टिव होते हैं, इसके पीछे भी होंगे, यानी कि टोटल एट होंगे। सारसीना के अंदर टोटल एट फॉर्म्स होंगी, ठीक है, ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं सारसीना में। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चार आगे चार पीछे, टोटल आठ होंगे कोकस। स्ट्रेप्टोकोकस पे एक चेन में मौजूद होंगे सारे कोकस। अब यहां से ये याद रखना, स्ट्रेप ये आसानी से याद रख सकते हैं आप, स्ट्रेप मतलब स्ट्रिप, एक चेन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं ये इररेगुलर होते हैं, ग्रेप शेप्स जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, ये उस तरह मौजूद होते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब ये ना कंफ्यूजन होती है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, आपने स्ट्रेप से याद रखना है, स्ट्रिप चेन के फॉर्म में जो होंगे वो स्ट्रेप्टोकोकस होंगे। और इससे ऑपोजिट तो एक चीज याद रख लें तो दूसरी को ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, स्टेफाइलोकोकस और ग्रेप्स की तरह होंगे। ये था राउंड की सारी फॉर्म, कोकाई की सारी फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बैसिलस की, एक होगा तो मोनोबैसिलस, दो होंगे तो डिप्लोबैसिलस। अच्छा, अगर चेन में मौजूद होंगे तो उसी तरह स्ट्रेप लगेगा शुरू में, स्ट्रेप्टो बैसिलस। ओके, लेकिन अगर ये जैसे कि ग्राउंड में एक बार लगी हुई होती है, एक डिफेंस लाइन होती है, उसी तरह की अगर शेप्स होगी, यानी कि इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, बैसिलस की ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं पैलिसेड्स। पैलिसेड्स मतलब ही डिफेंस को कहते हैं, बार जो अक्सर ग्राउंड के बाहर लगी, ग्राउंड के साइडों पर लगी हुई होती है, ठीक हो गया। एंड कोको बैसिलस, ये इसको कोको क्यों कहते हैं, कोकस यानी कि एक सेंट्रल है, बैसिलस और कोकस के दरमियान की चीज होती है, उसको क्या कहते हैं, कोको बैसिलस। यानी कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आ रही होती है, कोको कोकस की भी और बैसिलस की भी, इसको क्या कहते हैं, कोको बैसिलस। ओके, स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरल में तीन चीजें फॉल करती हैं,
स्पाइरिलम, स्पाइरोची एंड विब्रियो। अगर स्पाइरिलम की बात करें, इसका फ्लैजेला जो होता है वो आउटसाइड होता है, लेकिन स्पाइरोचीट्स का जो फ्लैजेला होता है वो इनसाइड फॉल करता है, लाइक इनसाइड जो है ये स्पाइरोचीट का फ्लैजेला होगा। ठीक हो गया, ये एक बात होगी। स्पाइरिलम जो होता है वो रिजिड होता है, इसकी वॉल जो होती है रिजिड होती है, जबकि स्पाइरोचीट्स की वॉल फ्लेक्सिबल होती है। ये इनमें बेसिक। अब याद रखने का फिर एक और ट्रिक होना चाहिए, स्पाइरोचीट मतलब ये नाम से ही अजीब लग रहा है, तो इसको हम ऑपोजिट याद करेंगे। स्पाइरोचीट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अब आपको याद रखने डिफरेंट ट्रिक्स है, डिफरेंट ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको जो रिमेम्बरेंस है, जो आपको याद रखने की सलाहियत है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। निमोनिक्स बनाए डिफरेंट तरीके से, ताकि जो डिफरेंट बैक्टीरिया के नाम है वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। ठीक है, ये स्पाइरिलम, स्पाइरोचीट एंड विब्रियो। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सवाल यहां पैदा होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए है सिर्फ। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है अब तक, और थियोमार्गरेटा ये अब तक का लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, अपडेट अब तक जो डिस्कवर हुआ है ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया, और ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है। तो ये था साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।